जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान। पुलिस की चार्जशीट में शर्जिल इमाम का नाम, चार्जशीट में पीएफआई का भी जिक्र किया गया। जामिया हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच कर रही है पुलिस। जामिया के किसी भी छात्र पर चार्जशीट में नाम नहीं। जामिया हिंसा मामले में पुलिस अब तक 17 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। पुलिस हिंसा फैलाने वालों की पहचान के लिए जारी करेगी तस्वीरें। 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा में 47 पुलिसकर्मी सहित 95 लोग हुए थे घायल। साकेत कोर्ट ने जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम को 3 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जामिया हिंसा केस में जेल में बंद है शर्जिल। शर्जिल इमाम पर पुलिस का बड़ा खुलासा। अब तक की जांच में शर्जिल ने जामिया दंगे का बनाया था प्लान। 13 दिसंबर की हल्की फुल्की पत्थरबाजी से खुश नहीं था शर्जिल। उसने जामिया नगर में बड़ा दंगा करने के लिए लोगों को उकसाया। 15 दिसंबर को शर्जिल ने शाहीन बाग में दिया था भड़काऊ भाषण। उसके बाद जामिया में हुए थे दंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहीन बाग के लिए चुने गए मध्यस्थों के बीच आज बैठक हो सकती है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे की रणनीति पर मंथन। एडवोकेट संजय हेगड़े से मिली दिल्ली पुलिस के अधिकारी। दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर अपने सुझाव साझा किए। संजय हेगड़े ने कहा सभी पक्षों से बात करेंगे ताकि मामले को सही तरीके से हल किया जा सके, जिससे सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान भी हो। शाहीन बाग में धरने पर बैठी बुजुर्ग महिलाओं का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट जिसे भी बातचीत के लिए भेजेगा उनसे बातचीत की जाएगी। कोर्ट के हर फैसले का होगा सम्मान। लुधियाना में शाहीन बाग के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने फूंका पुतला। महिलाओं ने दिल्ली पुलिस को सबक सिखाने की कही बात। देश भर के 154 प्रबुद्ध लोगों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। सीएए एनपीआर और एनआरसी पर भ्रम फैलाने पर एक्शन की मांग। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वालों में कई पूर्व जज ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को लागू करने से किया इनकार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मुंबई के आजाद मैदान में रैली की इजाजत नहीं। 21 फरवरी को सीएए एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ होनी थी रैली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सता रहा भारत का डर। रेफ्यूजी समिट में कबूला, एक और शरणार्थी संकट का सामना कर सकता है पाकिस्तान। सीएए के बहाने मुसलमानों को डराने की पाक प्रधानमंत्री की नापाक कोशिश। कहा भारत के अति राष्ट्रवाद की विचारधारा से तबाही फैल सकती है। पाकिस्तान के सिंध से 50 हिंदू परिवार भागकर आए भारत। बोले अब वापस नहीं जाना चाहते, भारत के नागरिक बनकर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों ने सुनाई दिल दहला देने वाली आपबीती। कहा पाकिस्तान में हिंदू नरक की जिंदगी जी रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने को मजबूर किया जाता है। लंदन में नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन। पाक मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ताओं और भारतीय समुदाय के लोगों ने दर्ज किया विरोध। मंगलुरु में विवादित संगठन पीएफआई के वार्षिक दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने की शिरकत। आरएसएस और मोदी सरकार पर बोला हमला। पीएफआई के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट शाकिब अहमद ने आरएसएस के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। संघ को बताया देश का कैंसर। मोदी अमित शाह के खिलाफ डटकर लड़ने की कही बात। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे गांव केस पर पड़ा बड़ा फैसला। कहा केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा भीमा कोरेगांव केस। कहा अपने दलित भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा एल्गार परिषद केस की जांच केंद्र को सौंपी गई। एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव केस दोनों अलग अलग मामले। उद्धव ठाकरे का सीए और एनआरसी पर बयान। कहा सीए लागू होने से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, एनआरसी नहीं होने देंगे लागू। सीए पर एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मतभेद। पवार ने कहा नागरिकता कानून पर उद्धव ठाकरे का अपना नजरिया, एनसीपी ने इसके खिलाफ किया है वोट। शरद पवार ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केस में उद्धव ठाकरे से जताई नाराजगी। कहा राज्य सरकार ने कोर्ट में मामले को ऐसे रखा, किसी को जमानत नहीं मिली। शरद पवार ने कहा पूरे मामले में कोर्ट को जो सबूत दिए गए उसमें क्या सत्य है, लोगों के लिए जानना जरूरी। पवार ने एसआईटी के तहत जांच करने की मांग दोहराई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में जोर शोर से तैयारियां। दीवारों पर पेंटिंग की गई, स्वच्छता का भी दिया गया संदेश। राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले उनके कारों की फ्लीट गुजरात पहुंची। यूएस एयरफोर्स प्लेन अहमदाबाद आया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ट्रंप के स्वागत तैयारियों का जायजा लिया। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे अहमदाबाद आने गौरव की बात। शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा जो भी बड़ा विदेशी नेता आता है उन्हें सिर्फ अहमदाबाद लेकर जाते हैं मोदी। अहमदाबाद में दीवार को लेकर सरकार पर कसा तंज। ट्रंप से हकीकत छिपाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों को दीवारों से ढकने की कोशिश। लगाई जा रही अच्छी तस्वीरें और पेंटिंग्स। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। लिखा दिल्ली में चुनाव में पीएम मोदी शाह के भाषण रहे फेल, लोगों की शंका करें दूर। शिवसेना ने कहा बीजेपी की राजनीति बदले पीएम मोदी। दिल्ली के नतीजों ने किया इशारा, विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने में पूरा
देश एकमत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा एक साथ नहीं चल सकते, गांधी गोडसे नीतीश गोडसे के साथ खड़े लोगों के साथ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया हमला, कहा बीजेपी का साथ बिहार को विकास नहीं दे रहा है, बिहार में विकास की गति धीमी, 2005 से लेकर 2015 का वहीं खड़ा। प्रशांत किशोर ने 2014 के लिए नीतीश के लिए मेरे मन में ज्यादा सम्मान, कहा उनसे मेरे वैचारिक मतभेद, सिर्फ नीतीश को किसी बाहरी शख्स का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बाद बिहार की नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया, कहा जून तक 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना। प्रशांत किशोर पर जेडीयू का पलटवार, जेडीयू नेता अजय आलोक ने मानसिक रूप से बीमार बताया, कहा ममता को क्यों नहीं सिखाते बंगाल किसे किस मुहाने पर खड़ा है। योगी सरकार ने चौथा बजट पेश किया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5,12,860 करोड़ का बजट पेश किया, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। यूपी सरकार के बजट पर बोले सीएम योगी, बजट में समाज के हर तबके का रखा गया ध्यान, चौथा बजट युवाओं के लिए, युवाओं के समग्र विकास के लिए। सीएम योगी ने कहा बजट में युवाओं के स्वरोजगार के लिए हर जिले की योजना शामिल, उच्च शिक्षा को दिया जाएगा विशेष महत्व, कई नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रावधान। सीएम योगी ने कहा देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पहुंचाने में यूपी की भूमिका तय करने वाला बजट, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बजट को जनता से धोखा बताया, 4 साल में सरकार ने नहीं किया कोई काम, बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं। लखनऊ में यूपी सरकार के बजट के खिलाफ विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जताई नाराजगी। विधानसभा के गेट पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठे कांग्रेस विधायक, योगी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विवाद पर बोले सीएम कमलनाथ, कहा शिवराज से नाराज नहीं होता तो सिंधिया से क्या होगा। लेफ्ट पार्टियों का मोदी सरकार के बजट के खिलाफ हल्ला बोल, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक निकाला मार्च, बजट को जन विरोधी बताया। कश्मीरी पंडितों की डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, दिल्ली में हुई मीटिंग। आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को होगा सुंदरकांड का पाठ, आज चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ हनुमान पाठ। ठाणे के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कानपुर के पंखी में केमिकल फैक्ट्री में आग से हाहाकार, आग ने बगल की कागज फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में लिया, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बंगलुरु के लेक व्यू हैबिटेट में फैले कूड़े में लगी आग से धुएं का फैला गुबार। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जारी, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर एक्शन में राज्य सरकार, लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने परीक्षा की मॉनिटरिंग सेंटर का लिया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने लागू किया मुआवजा प्रावधान, उपभोक्ताओं की समस्या का समय से समाधान न होने पर देना होगा मुआवजा। योगी सरकार ने समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित किया वक्त, ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर, नया कनेक्शन, मीटर रीडिंग, लोड घटाने अथवा बढ़ाने का समय तय। मनीष सिसोदिया के पूर्व ओएसडी गोपाल माधव को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत, 6 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी। हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह का दावा, स्लॉटर हाउस लेकर जा रहे गायों से भरे ट्रक को पकड़ा, राजा सिंह ने खुद गायों का किया रेस्क्यू। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 20 फरवरी को करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। नेवी और एयरफोर्स में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, आर्मी में महिलाओं के स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इजाजत। दिल्ली पुलिस ने 2 आर्म स्मगलर को किया गिरफ्तार, 22 अत्याधुनिक 32 बोर के पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद, यूपी दिल्ली हरियाणा में सक्रिय था हथियार तस्करी का सिंडिकेट। बिहार के लखीसराय में कन्हैया कुमार पर एक युवक ने फेंका चप्पल, समर्थकों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पूर्व टीएमसी सांसद तपस पॉल का निधन, मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से होली कांबी अस्पताल में हुई मौत, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में दी थी कई सुपरहिट फिल्में। जम्मू और कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर पुलिस सख्त, कई लोगों के खिलाफ दर्ज किए केस। एलओसी पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत, पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, इलाके में भारी मात्रा में मोर्टार और गोलाबारी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सेना के जवानों ने 120 एमएम के मोर्टार को डिफ्यूज किया, पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर रहने वाले नागरिकों को निशाना बनाकर दागा गया था। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई टली, होली के बाद होगी सुनवाई, माल्या ने संपत्ति जब्ती के ईडी के कार्रवाई के खिलाफ दायर की थी याचिका। दिल्ली के छावला में आईटीबीपी के सेंटर में वुहान से लौटते भारतीयों को का कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर खुशी की लहर, कोरोना वायरस के शक में अस्पताल में भर्ती लोगों ने डांस कर खुशी का किया इजहार। वुहान से लाए गए 400 भारतीयों में 200 लोग आईटीबीपी आइसोलेशन सेंटर से अपने घर वापस लौटे, फाइनल टेस्ट में कोरोना का लक्षण नहीं मिला। दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर वुहान जाएगा एयर इंडिया का एक और प्लेन, चीन में फंसे बाकी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। बिहार में 22 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 11 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल।
गाजियाबाद में चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। सरेआम बदमाश एक शख्स पर चाकू से हमले किए जा रहे थे, बचाने के बाद भीड़ वीडियो बनाती नजर आई। बदमाश के हमले में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी पर मामले दर्ज। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी, दिल्ली के कमलानगर से सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। 2019 के पवई इलाके में मर्डर केस में थी तलाश। ठाणे में एक बिल्डर के दफ्तर में चोरी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। देसी हथियार सहित चोरी का सामान भी बरामद। मंदिर की दान पेटी चुराने वाले तीन चोर गिरफ्तार, चोरी से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए थे। गुजरात के बनासकांठा में शेड्यूल कास्ट के युवक के शादी के दौरान हंगामा, घोड़ी पर बैठने को लेकर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी, पुलिस की मदद से हो पाई शादी। जयपुर में देखा एक दुल्हन का अनूठा अंदाज, डोली की जगह जीप के बोनट पर बैठकर आई दुल्हन, दुल्हन के इस अंदाज को देख चौंके मेहमान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जंगली इलाके में पैंथर की संदिग्ध हालत में मौत, वन विभाग की टीम ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान बंगलुरु जा रहे प्लेन के इंजन में लगी आग, सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के बिजनौर में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन में लगा एसएलआर कोच ठोकर को तोड़ता हुआ, पानी से भरे कच्चे गड्ढे में गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में भयानक सड़क दुर्घटना, 30 फीट ऊंची फ्लाईओवर से नीचे गिरी बेकाबू कार, हादसे में एक की मौत, पांच लोग घायल। नागपुर में ट्रैफिक के प्रति लोगों को जागरूक करने की नई पहल, रेड लाइट क्रॉस करते ही बजने लगता है सायरन। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में बर्फबारी से स्कूली बच्चों को दिक्कत, घर से स्कूल जाने के रास्ते पर बर्फ का करना पड़ रहा है सामना। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 पहुंची, 70,000 लोग पीड़ित। जापान क्रूज पर 88 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, प्रशासन अलर्ट। जान के बाद अब जेब पर कोरोना का अटैक, चीन से भारत आने वाली दवाइयां होंगी महंगी। भारत में चीन के राजदूत सुन वेरोंग का बयान, कोरोना वायरस के मामले में 50% की कमी, स्थिति नियंत्रण में। इमरान खान अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के निशाने पर, जेमिमा ने किया पोस्टर ट्वीट, लिखा तूने कैसा जादू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की तस्वीर वायरल, अबू धाबी की मस्जिद, सर पर दुपट्टा और खाली पांव नजर आए। कोरोना की वजह से एशिया के कई देशों ने अपने विकास दर का अनुमान घटाया, सिंगापुर चीन में जीडीपी में गिरावट की आशंका। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि, इनोवेशन और परोपकार के लिए मिला सम्मान। लोगों की सुरक्षा के लिए आया हिम्मत प्लस ऐप, उबर के साथ दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया लॉन्च। आईपीएल 2020 की तारीखों का बीसीसीआई ने किया ऐलान, बीसीसीआई सचिव ने कहा 29 मार्च से शुरू होगा सीजन, 24 मई को खेला जाएगा फिनाले। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा पहला मैच, इस सीजन में केवल रविवार को ही खेले जाएंगे दो मैच, रात 8 बजे से शुरू होंगे मैच।